हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको पफ बाजू के कटिंग और सिलाई करना बताऊंगी। इसके कपड़े लिए हैं, दो फोल्ड कर लिए हैं। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इस कपड़े की लंबाई 13 इंच है। आपको जितना तैयार रखना है उसे 5 इंच माइनस करेंगे। तो इसके तैयार है 10 इंच, इसमें हम 5 इंच माइनस किए हैं। आपको जितना भी लंबा रखना है उसमें 5 इंच माइनस करेंगे। इस लाइन को सीधा कर लेंगे। ऊपर साइड पफ बनाने के लिए 8 इंच लिए हैं, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसकी चौड़ाई 9 इंच है। इसके नॉर्मली बाजू की तरह कटिंग करेंगे। इसके 3 इंच पर निशान लगाए हैं, ऊपर साइड 2 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके लाइन तिरछा मिला लेंगे। इसकी मोहरी 5 इंच है, इसको मिला लेंगे। ऊपर साइड में 4 इंच पर निशान लगाएंगे पफ बनाने के लिए, और नीचे से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस निशान को मिला लेंगे, ये हल्का गोलाई देंगे। इसको नीचे साइड में हल्का गोलाई देते हुए निशान मिलाएंगे। निशान मिला लिए हैं। अब इसको कटिंग कर देंगे। कटिंग कर लिए हैं। इसके 3.5 इंच पर निशान लगाएं, वहाँ कट लगाएंगे। यहीं से पफ के लिए प्लेट लगाएंगे। इसके ऊपर साइड में एक कट लगा लेंगे। इसी दोनों निशान पर पफ के लिए प्लेट डालेंगे। देखिए इस तरह आएगा। इसी तरह प्लेट डालेंगे। इस पे सिलाई लगाएंगे। इस कट तक हम प्लेट लगाएंगे। नीचे से प्लेट लगाएंगे। हमने पेचकस लिए हैं, उसे छोटे छोटे प्लेट लगाएंगे। ऊपर तक एक बराबर प्लेट लगा लेंगे। देखिए एक साइड प्लेट लगा लिए हैं, इसी तरह दूसरे साइड भी प्लेट लगा लेंगे।
चुन्नट डाल लिए हैं। देखिए कितना बढ़िया से पफ बन गया है। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन जल्द पहुंच जाए। मोहरी में कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, इसके ऊपर लेस लगाएंगे। लेस पे दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। देखिए लेस लगा लिए हैं। अब इसके बाजू तैयार करेंगे। 5 इंच का मोहरी है, 5 इंच पर सिलाई लगाएंगे। आर्म होल 16 इंच है, उसका हाफ 8 इंच आएगा, 8 इंच पर हम सिलाई लगाएंगे। इसको सीधा कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया से पफ बाजू बन गया है।